The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, हमने फंगल इन्फेक्शन के बारे में बहुत से वीडियो बनाए, फंगल इन्फेक्शन जनरल, फंगल इन्फेक्शन जो आपको जॉक इच, फंगल इन्फेक्शन पैरों में, फंगल इन्फेक्शन रिंग वर्म आपके स्किन के ऊपर। आज हम बात करेंगे सर में, आपके स्काल्प में रिंग वर्म फंगल इन्फेक्शन। जी हाँ, रिंग वर्म कोई वर्म नहीं है, ये फंगल इन्फेक्शन है और स्काल्प में होता है, आपके सर में होता है। इसे टीनिया कैपिटिस भी कहते हैं, बहुत कॉमन है, दाढ़ी में हो सकता है, वैसे रिंग वर्म और भी जगह नीचे ग्रॉइन में हो सकता है, पैरों के बीच में, ग्रॉइन में। इसे जॉक इच कहते हैं, पैरों के बीच में, अंगूठी के बीच में होता है, तो एथलीट्स फुट कहते हैं, बाकी चमड़ी पे भी हो सकता है, लेकिन हम आज बात करेंगे सर पे हो तो क्या करना पड़ेगा। सर पे बहुत कॉमनली होता है ये रिंग वर्म। है क्या? एक तरीके का फंगस है, मोल्ड है, इसे डर्मेटोफाइट्स कहते हैं। और ये फंगस जो होते हैं डेड टिश्यू पे रहता है, डेड टिश्यू यानी स्किन, हेयर और आउटर स्किन लेयर, हेयर्स या नेल, राइट? आउटर स्किन लेयर डेड होती है आपकी, वहाँ रहता है, वहाँ ग्रो करता है। और इसको ग्रो करने के लिए वार्म, मॉइस्ट, गीले और गर्म एरिया चाहिए। इसीलिए जहाँ पसीना ज़्यादा आता है आपको, अगर सर में कहीं पर आपको माइनर स्किन इंजरी हो गई, थोड़ी बहुत चोट, बहुत ज़्यादा खुजा लिया आपको, या आप रेगुलर नहाते धोते नहीं हैं, सर नहाते हो रेगुलरली, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो जाने के। और बहुत आसानी से फैलता है ये बच्चों को बहुत आसानी से हो जाता है, और ज़्यादातर कॉमनली बच्चों को होता है, लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके चांस फिर कम हो जाते हैं, प्यूबर्टी तक ठीक हो जाता है, लेकिन ये किसी भी उम्र में भी हो सकता है। आपको रिंगवर्म हो सकता है, फैल सकता है बड़ी आसानी से, किसी और पर्सन जिसको रिंग, जिसको फंगल इन्फेक्शन है सर, उसके कॉन्टैक्ट में आ गए, उसका कोई कपड़ा, उसका कोई कंघी, उसका उसकी हैट, उसकी टोपी, वो सब यूज़ कर लिया उसने, कहीं दीवार पे हाथ रख के वहीं आपने हाथ रख लिया, हाथ सही से नहीं धोया, हाइजीन सही नहीं है, आराम से फैल जाता है। आपके घर में जो पेट्स हैं, डॉग कैट, उनसे फैल जाता है, पेट से बहुत आसानी से पेट्स कैरियर बन जाते हैं। अगर आपको होगा तो क्या होगा, सर में क्या होगा, आपको स्किन में क्या होता है, बाकी चीज़ों के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है रिंग वर्म का दूसरा। अब सर में होगा तो क्या होगा, सर में आपको एक छोटा सा बॉल्ड एरिया आ जाएगा जहां बाल चले जाएंगे, और एक ब्लैक डॉट आ जाएगा, ब्लैक डॉट्स आएंगे बिकॉज वहां से बाल जो है वो टूट गए हैं, बाल टूट गए हैं तो ब्लैक डॉट्स आ सकते हैं। आपको एक बहुत राउंड सा स्केली एरिया भी आ सकता है स्किन का, जहां पर सूजन सी है, जहाँ उठे उठे लाल एरियाज है, थोड़े इन्फ्लेम्ड से है, वो भी आ सकते हैं, यहाँ तक के वहाँ छोटे 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 पस भरे सोर्स हो सकते हैं, जिसे हम किरियॉन्स कहते हैं, वो भी हो सकते हैं। और भैया बहुत इचिंग हो सकती है सर में, फंगल इन्फेक्शन से बहुत खुजली होती है, बहुत, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत बुखार भी रह सकता है, 100-101 तक का बुखार रह सकता है, गले के लिम्फ नोड सूज में सूजन आ सकती है आपको, बहुत हो सकता है। रिंग वर्म या फंगल इन्फेक्शन सर का बहुत डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? क्योंकि इससे परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है, लास्टिंग स्कार आ सकते हैं, स्कार्स आ सकते हैं सर पे। भैया तुरंत ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, ट्रीटमेंट के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, डर्मेटोलॉजिस्ट आपको देंगे खाने के लिए दवा, लेकिन पहले करेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए वैसे देखने से ही काफी पता चल जाता है कि ये रिंग वर्म है, ये फंगस है, लेकिन कई बार स्किन के ऊपर की स्क्रैपिंग लेते हैं, स्क्रैपिंग थोड़ा सा छोटा बड़ा हिस्सा, वो स्क्रैप करके लेके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख के आराम से पता चल जाता है ये फंगस है, KOH माउंट होता है। और स्किन कल्चर भी कर सकते हैं फंगस के लिए, रेयरली स्किन बायोप्सी की जरूरत पड़ती है। ठीक, एक बार डायग्नोस हो गया फिर आपके डॉक्टर आपको देंगे दवा, एंटी फंगल मेडिसिन खाने के लिए, वो दवा आपको 4 से 8 हफ्तों तक खानी है। दवा के अलावा आपको कुछ और चीज़ें करनी ज़रूरी है। आपको अपना स्काल्प, अपना सर सूखा रखना है, क्लीन रखना है, क्लीन एंड ड्राई। आपको वॉश करना है मेडिकेटेड शैम्पू से, मेडिकेटेड शैम्पू जैसे जिसमें हो कीटोकनाजोल, जिसमें हो सेलेनियम सल्फाइड, कीटोकनाजोल या सेलेनियम सल्फाइड। आपको ये शैम्पू, ये मेडिकेटेड शैम्पू क्या करेंगे, ये स्लो कर देंगे उसकी स्प्रेड, उसको स्टॉप कर सकते हैं स्प्रेड को, लेकिन कम्प्लीटली उसको जड़ से ख़त्म नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको दवा लेनी पड़ेगी।
आपको अगर चाहते हो कि बाकी के फैमिली मेंबर्स, खासकर बच्चे जिनको आसानी से हो जाता है उनको ना हो, या घर में जो पेट्स हैं जो कुत्ते बिल्ली उनको ना हो, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ केयर रखनी। बच्चों को तो छोटे बच्चे अगर घर में, आपको पक्का पता है आपके सर में रिंगवर्म्स डॉक्टर ने बता दिया, तो वो ही शैम्पू बच्चों ने भी इस्तेमाल करने चाहिए। बच्चों को वो शैम्पू कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार ये लेना चाहिए 6 हफ्तों तक। बड़ों को ज़रूरत नहीं है इस तरह के प्रिवेंशन की, प्यूबर्टी के बाद आपको चांसेस कम हो जाते हैं उसको लेने के। लेकिन जिनको रिंगवर्म है, जिनको फंगस है सर पे, उन्होंने जो टॉवल यूज़ किया, वो टॉवल, वो कपड़े, उन सब चीज़ों को गर्म पानी में, साबुन वाले पानी में धो के, उसको गर्म गर्म से गर्म, जितना गर्म हो सके, जितना उस कपड़ा के लिए रेकमेंडेड है, कई कपड़ों को रहता है कि इससे ज़्यादा गर्म नहीं करना, उतना गर्म नहीं करना, ख़राब हो जाएगा, तो जितना रेकमेंडेड है उतना गर्म से गर्म चीज़ में उसको सुखाना है उस। और किसी को भी अपना टॉवल, अपना हेयर ब्रश, अपने हैट्स, अपने पिलो केसेस, अपने हेलमेट, अपने कोई भी इस तरह की चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए जो भी, जिसको भी रिंगवर्म इन्फेक्शन है। और यहाँ तक कि जो आपके ब्रशेस हैं, जो हेयर ब्रशेस हैं, उनको आप ब्लीच वाले पानी में थोड़ा सा ब्लीच डालें और ब्लीच में उसको डुबो के रखें, पूरा 1 घंटे तक उसको डाल के रखें, ये 3 दिन तक लगातार करें, तब जाके उसमें से ये गड़बड़ी ख़त्म होगी। वो भी इम्पॉर्टेंट स्टेप है। देखिए, बहुत कई बार मुश्किल हो जाती है फंगस को दिमाग सर के इन्फेक्शन से निकालने का, परमानेंट निकालने की, और निकल भी गया तो वापस आने के चांसेस होते हैं। कई बार बच्चों में ऐसा रेगुलरली रिपीटेड हो जाता है, पर ये जैसे जैसे उनकी प्यूबर्टी होती है, जैसे उनके ग्रोथ स्पर्ट, उसके बाद फिर ये ठीक हो जाता है। आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करनी है, अगर आपको लग रहा है आपको रिंगवर्म, आपको फंगस है, इन्फेक्शन है सर में। रिमेंबर, इसको फंगल इन्फेक्शन को ही टीनिया कहते हैं, रिंगवर्म कहते हैं, टीनिया कैपिटिस कहते हैं। बहुत कॉमन है, बहुत रेगुलर चीज़ है, सबको पता होना चाहिए। सो शेयर दिस वीडियो, शेयर करें बगैर मत जाना। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।